ओहो दूध फट गया, अब क्या करें। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाता है ना, पर आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब क्या करें। तो फिर करना क्या है, दूध को अच्छे से फाड़ते हैं और बनाते हैं इसका पनीर, और पनीर का बनाते हैं फिर अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो क्या है स्पेशल इस अमृतसरी पनीर भुर्जी में, देखिए सबसे पहले तो इसके फ्लेवर काफी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट, और दूसरा इसका जो टेक्सचर होता है टेक्सचर, तो जैसे कि हम यूजुअली पनीर भुर्जी बनाते हैं तो काफी चक्की होती है ना, ये थोड़ी सी लुटपुटी सी, थोड़ी सी ढली हुई सी होती है। और हाँ, तीसरा इस अमृतसरी पनीर भुर्जी के लिए ना एक स्पेशल सूखा मसाला भी बनता है, एक मसाला जो देता है इसको एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट, ढाबा स्टाइल टेस्ट। तो तैयार हो जाइए, इस अमृतसरी पनीर भुर्जी के साथ आपको आज एक बोनस रेसिपी भी मिल रही है, और ये बोनस रेसिपी है एक तंदूरी लच्छा पराठा की। अब जानती हूँ आप कहेंगे कि पंकज जी तंदूरी लच्छा पराठा तो ठीक है, लेकिन तंदूर कहाँ है। अरे प्रेशर कुकर तो है ना, इसी में बनाएंगे आज हम अपने तंदूरी लच्छा पराठा भी, यानी एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन। तो फिर शुरू करें। अच्छा अब ये बताइए, एक बढ़िया सी अमृतसरी पनीर भुर्जी बनानी हो तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या चाहिए होगा हमको। एक तो चाहिए होगा पनीर, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है ना। दूसरा इसके लिए आपको एक, जैसे मैंने बताया था पहले, वो स्पेशल वाला मसाला बनाना होगा, जो मसाला देगा इसको एक बढ़िया सा टेस्ट। ठीक, इसके बाद क्या बनाना होगा, इसके बाद सारी वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग करके फाइनली उसको प्रिपेयर कर लेंगे, बस इतना। तो पहला काम तो हमने यहाँ पे कर लिया, जो दूध फट गया था उससे हमने पनीर बना लिया। अच्छा अब इसे बनाने के लिए आपको दूध फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाजार के रेडीमेड पनीर के साथ भी आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि पनीर भुर्जी उससे भी बहुत बढ़िया बन जाएगी। अब ये पानी को करते हैं डिस्कार्ड, और पहले इस छेना को पनीर को अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इसमें से सारा का सारा विनेगर का जो टेस्ट है वो निकल जाए। पनीर भी डन, इसका सारा पानी निकल जाने देते हैं, और इसके बाद जानते क्या करेंगे, पहले वो जो तंदूरी लच्छा पराठा बनाना है ना उसका डो लगा लेंगे, क्योंकि डो को ढलने में लगेगा समय। अब आटा लेंगे, मैदे से पराठे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे आटे के साथ। तो आटे में मिलाएंगे बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब ये जो लच्छा पराठा है ना, इसका डो आप बहुत हार्ड भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ डो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, समझिए कि जैसे हमारा रोटी का डो होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रख देंगे ना तो आपके जो परत हैं वो अच्छे से खुलेंगी नहीं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रख देंगे तो उसमें क्रिस्पनेस नहीं आएगी, इसीलिए बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब 20 मिनट के लिए कम से कम आप इस डो को रेस्ट करने दीजिए ताकि ये अच्छे से ढल जाए, और तब तक हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, हमें मसाला भी बनाना है और अपने वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग भी करके रखनी है ना। इसीलिए पहले ऐसा करते हैं, प्याज टमाटर ये सब चॉप करके रख लेते हैं फॉर आवर अमृतसरी पनीर भुर्जी। जहाँ पंजाबी फूड की बात आती है, या जैसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अमृतसरी पनीर भुर्जी, तो अमृतसरी फूड की बात आती है ना, तो जानते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है वो ढाबे के फूड का बढ़िया सा फ्लेवर। क्या स्पेशल होता है भाई उस ढाबे के फ्लेवर में, आप बताइए। देखिए एक तो ऑफकोर्स ताज़ा ताज़ा आपके सामने बन रहा होता है, और दूसरा दिल खोल के बनता है, यानी कि दिल खोल के उसमें घी पड़ेगा, दिल खोल के उसमें मसाले पड़ेंगे, एक रोबस्टनेस रहती है फ्लेवर्स की। और ये लीजिए प्याज तो कट गया, अब टमाटर भी काट दिए जाए। अब तीन छोटे छोटे प्याज थे मेरे पास, और ये दो बड़े टमाटर, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया। और अब बारी आती है अदरक लहसुन और हरी मिर्च की, और इनको काटने के बजाय मैं कूटना पसंद करती हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कूटने से ना दीज लेट आउट देयर जूसेस, जिसकी वजह से इनका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये तीन हरी मिर्च, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का,
और ये 7 से 8 कली लहसुन की, और पहले इनको कूट करके इनका एक दरदरा सा पेस्ट बना देंगे। ये देखिए ऐसा इसका एक कोर्स सा हमको पेस्ट बना लेना है, दरदरा सा। ठीक है, काफी जूसी हो गया है ये। अब ये मसाला भी डन। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज है वो सूखा मसाला जो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे अमृतसरी पनीर भुर्जी को देगा वो स्पेशल ढाबे वाला टेस्ट। उसके लिए चलिए एक पैन चढ़ा दें, फिर इस पैन में थोड़े से मसालों को पहले हम भून लेंगे। तो तकरीबन 1/4 कप आप ले लीजिए खड़ा धनिया। इसके साथ ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग और ये 2 मोटी इलायची भी। वो आपसे कह रही थी ना मैं कि रोबस्ट फ्लेवर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होंगे, तो ये फ्लेवर्स आएंगे इन्हीं मसालों के साथ। हाँ, बाद में इसमें 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि इसका भी एक स्मोकी सा फ्लेवर हो जाए, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले इसको हम हल्का सा भून लेते हैं। धनिया जीरा की आ गई है बढ़िया से खुशबू, तो अब ऐड करती हूँ मैं इसमें ये 2 लाल मिर्च। पहले ऐड कर देंगे ना तो ये लाल मिर्च जो है वो जल जाएगी और स्मोकी होने की जगह बर्न फ्लेवर दे देगी और आप भी किचन से भागते नजर आएंगे। अब इसमें हल्का सा कलर भी आ गया है, खुशबू भी आ गई है, मिर्च भी थोड़ी सी फ्रेग्रेंट हो गई है, तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। होगा क्या, वो हीट में ना ये जो कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी भून जाएगी, अगर ज़्यादा आपने इसको भून दिया तो वो भूनने की जगह जल जाएगी। अब इन मसालों को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर इनका पीस करके एक पाउडर बना लेंगे और हो जाएगा रेडी हमारा स्पेशल वाला अमृतसरी पनीर भुर्जी का मसाला। अब ये जो मसाला भी है ना, इसे हमें बहुत फाइन नहीं पीसना है, इसको हम रखेंगे थोड़ा दरदरा, हल्का सा कोर्स। क्या बढ़िया खुशबू है। तो मसाला भी डन, अब शुरू करते हैं हम अपनी अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाना। और उसके लिए सबसे पहले पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, घी तेल जाता है थोड़ा दिल खोल के, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल। और अब तेल जब गर्म हो जाएगा, ऐड करूँगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें छोटी सी चुटकी हींग, बस इतनी सी। और अब इसके बाद ये जो हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन कूट करके रखा हुआ है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जब ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तब ऐड करेंगे हम ये जो प्याज हमने चॉप करके रखा हुआ ना, ये प्याज। और प्याज को भी अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा ये प्याज भूनता है ना, हमने वो जो आटा गूंद करके रखा हुआ था वो आटा लेके आते हैं और पहले इसको 1 मिनट के लिए हम और नीड कर लेंगे और फिर इसकी लोई बनाकर भी रख लेंगे, क्योंकि इसकी लोई को ढलने में भी थोड़ा समय लगेगा। अब अपने डो को मैं डिवाइड कर लूंगी इक्वल साइज लोई में, क्योंकि ये पराठा बनेगा ना, तो इसकी लोई हम थोड़ी थोड़ी बड़ी रखेंगे, इसलिए आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी, जब हम घर में लच्छा पराठा बनाते हैं ना, तो वो वैसा क्यों नहीं बनता जैसे कि एक तंदूर वाले का होता है? देखिए, उसके 2 कारण हैं। एक तो ऑफकोर्स उसका तंदूर, जिसका टेक केयर तो आज हम कर लेंगे, और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे हमने आटे को ढलने दिया था ना, तंदूर वाला अपने पेड़े लगाने के बाद, यानी कि लोई लगाने के बाद, उसको भी ढलने का उतना ही समय देते हैं, यानी कि कम से कम लोई बनाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट रेस्टिंग टाइम ज़रूर देंगे। और ये लच्छे पराठे की लोई भी बनती है थोड़ी सी स्पेशल, तो पहले इसके लिए ये डो जो है इसको हम रोल आउट करते हैं एक बड़ी सी रोटी के जैसे। अब इस बड़ी सी रोटी पे स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये इंश्योर कर लेंगे कि ऑयल जो है ना वो पूरी की पूरी रोटी को कवर कर ले, कहीं पर भी कोई भी जगह ना छूटे, नहीं तो क्या होगा, आपका पराठा जो है वो वहाँ से खुलेगा नहीं, चिपक जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इस रोटी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते जाएंगे और हम वैसे ही फोल्ड करते जाएंगे जैसे कि हम एक पेपर का फैन बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। ये करने के बाद जस्ट प्रेस दिस आउट अ बिट एंड एक एज से शुरू करेंगे इसे रोल करना लाइक दिस, और जो इसका ये एंड बचेगा इसको हम नीचे दबा करके हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ऐसे ही और लोई बना करके हम रेस्ट करने के लिए रख लेते हैं।
तो हमारी लोई भी बन गई और यहाँ हमारा जो प्याज था वो भी काफी गोल्डन हो गया है। देखिए अच्छा सा कलर भी आ गया है और इसके भुनने की खुशबू भी आ गई है। अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम अपने सूखे मसाले ताकि वो इसमें फ्लेवर और कलर दोनों दे दें। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें टमाटर। तो सबसे पहले ऐड करूंगी 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ ब्यूटीफुल कलर। इसी के साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ वी ऐड इन द टमाटर और इस टमाटर के साथ अब इसको पक जाने देंगे जब तक ये सारा का सारा टमाटर जो है वो गल नहीं जाता। और इसको असिस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देंगे, जस्ट अबाउट 1/4 कप। और ऐड करूंगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक भी। तो जब तक हमारा मसाला यहाँ पर पकता है ना, तब तक एक काम और करते हैं और वो ये कि यहाँ पर अपना तंदूर यानी कि प्रेशर कुकर भी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने प्रेशर कुकर को पलट करके चढ़ाया है। अब तंदूर में रोटी कैसे लगती है? तंदूर के अंदर दीवार पे और नीचे होती है कोयले की आग। तो हम भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। नीचे है हमारे पास गैस की आग और प्रेशर कुकर के अंदर की दीवार पे हम लगाएंगे तंदूर एग्जैक्टली वैसे जैसे तंदूर में लगता है। अब देखिए ये टमाटर अच्छे से गल गया है ना। अब ऐड करेंगे हम इसमें वो जो मसाला हमने बना करके रखा था, कितना? केवल 2 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी रेड चिली भी ऐड की है। ओहो, अब आई ना वो बढ़िया वाली खुशबू इसमें हमारे मसाले की, एक रोबस्ट फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग अर्थी स्पाइसेस। और इन फ्लेवरफुल मसाले में अब जाने वाला है हमारा घर का बना हुआ पनीर। अच्छा, मैंने लिया था 2 लीटर दूध, यानी कि मेरा 2 लीटर दूध फट गया था, तो उससे मुझे मिला है तकरीबन ये 400 ग्राम के आसपास पनीर। अब इस पनीर को क्रम्बल करके मैं अपने मसाले में ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा पनीर मैं बचा ले रही हूँ, जैसे ढाबे में वो ऊपर से पनीर ग्रेट करके गार्निश करके देते हैं ना, तो ये गार्निश के लिए। अब इस मसाले के साथ इस पनीर को पक जाने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब आपसे कहा था ना, अमृतसरी पनीर भुर्जी जो होती है वो होती है थोड़ी लुटपुटी सी, थोड़ी सी ढली हुई सी। तो कैसे आएगा वो टेस्ट, कैसे आएगा वो फ्लेवर, कैसे आएगा वो टेक्सचर? उसके लिए इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप दही भी। I'm pretending कि दही पड़ चुका है। तो दही के साथ भी इसे हम केवल 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि ये दही क्या करेगी, ये दही देगी इसको एक अच्छा सा टेक्सचर भी और साथ ही साथ थोड़ी सी और रिचनेस भी। तब तक ये देखिए, हमने ये जो अपना तंदूर रूपी प्रेशर कुकर चढ़ाया यहाँ गैस पर, ये भी रेडी हो गया। कैसे पता चलेगा कि ये रेडी है कि नहीं? बस लीजिए हाथ में थोड़ा सा पानी, इसके ऊपर डालिए पानी का छींटा और अगर देखिए ये मोतियों जैसी बूंदें इसके ऊपर डांस करने लग जाएं, मतलब ये गर्म हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें अपने पराठे लगा सकते हैं। अब फाइनली ऐड करेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच कसूरी मेथी फिर से अपने हाथों से रगड़ करके, ताकि इसका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। और इसी के साथ साथ थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। तो पनीर भुर्जी भी डन। अब पराठे बनाने के लिए थोड़ा सूखा आटा चाहिए और चाहिए 1 कटोरी में पानी और इसी के साथ साथ पराठों के ऊपर लगाने के लिए थोड़ा सा मक्खन भी। अब ये जो लोई हमने प्रिपेयर करके रखी है, इस लोई को सूखे आटे में लपेट लेते हैं और पहले आप इसे अपने हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा फैला लीजिए। अब हल्के हाथ से इसे बेलन के साथ हम थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे। अब पराठों को बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, देखिए कुछ ऐसी थिकनेस रखेंगे इसकी और ना ही इसे बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इसको बहुत पतला रोल आउट कर दिया ना, तो इसकी जो तह है, जो लेयर्स है ना, वो आपस में चिपक जाएंगी और खुलेंगी नहीं, समझे? तो ऐसे ही पहले और पराठे बेल लेते हैं। अभी देखिए 3 पराठे मैंने यहाँ पर रोल करके रख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, पराठे के पीछे लगाऊंगी थोड़ा सा पानी। इसी पानी के हेल्प से ये पराठा जो है हमारे तंदूर के अंदर यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर चिपकेगा भी, और जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब ये इसी के हेल्प से निकल भी आएगा बाहर बहुत इजीली। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों को कवर कर लेंगे किसी कपड़े के साथ,
ताकि पराठे की जगह हमारा हाथ इतने गर्म प्रेशर कुकर में ना चिपक जाए। अब प्रेशर कुकर को कीजिए आप सीधा और इसकी इनर वॉल पर हम ये पराठा चिपका देंगे। देखा, तीन पराठे आसानी से एक बार में चिपक जाएंगे। अब इसको पलट के रख देते हैं हम अपनी गैस पर ताकि अंदर से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए, पक जाए। तब तक दो पराठे मैं और बेल लेती हूँ। अफकोर्स आप चाहें तो इन पराठों को बेलते वक्त इस पर थोड़ा सा हरा धनिया या कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ये देखिए, पराठे सिक गए, इन्हें निकालते हैं और कितनी ईजिली ये निकल आए। अब इनको आप गैस पे थोड़ा सा और सेक लीजिए ताकि उस पर वो बढ़िया सा कलर भी आ जाए। अब इन पे लगाते हैं थोड़ा सा मक्खन। चाह में पकड़िए, स्क्रंच कीजिए और ये देखिए कितनी बेहतरीन सी परतें एक एक करके खुलती चली जाएंगी। चलिए, पनीर भुर्जी भी डन। सर्व करते हैं इसे लच्छा पराठा के साथ और लेते हैं मजा अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी और तंदूरी लच्छा पराठा का। अब आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये अमृतसर के स्वाद आपको कैसे लगे।